हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी का यूनिट फर्स्ट, जो हमारी पोयम है फॉर द फिफ्थ स्टैंडर्ड, आइसक्रीम मैन। आप सभी को आइसक्रीम तो बहुत पसंद आती है। ओके, तो ये जो आइसक्रीम मैन है, ठीक है, इसके अंदर जो आइसक्रीम मैन बताया गया है, इसके बारे में एक पोयम छोटी सी लिखी गई है, जिस पोएट का नाम है रैचल फील्ड। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोयम आइसक्रीम मैन के बारे में। ओके, व्हाट इज़ कॉल्ड स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट? ऐसी क्या चीज़ है जो ठंडी, मीठी और क्रीम वाली, जो खाने में बड़ा ही मज़ा आता है? एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट, स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे इन एन आइसक्रीम, एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। और ये चीज़ ऐसी है कि सबको फेवरेट होती है, और जब गर्मियों के दिन आता है तो सबको आइसक्रीम खाना बहुत ही अच्छा लगता है, और अक्सर बच्चों का फेवरेट तो आइसक्रीम मैन ही होता है ना बच्चों? हाँ, अब हमारी पोयम स्टार्ट करते हैं। व्हेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रेक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गोज टर्निंग डाउन द स्ट्रीट। जब शहर में बहुत गर्मी होती है, इतनी गर्मी कि जो ईंटें होती है दीवारों की, होती है घरों की दीवार से इतनी गर्मी निकलती है, और उसी वक्त आइसक्रीम मैन की गाड़ी आती है जो छोटे छोटे पहियों वाली होती है, और उसके ऊपर आइसक्रीम का बॉक्स रखा होता है, वो लेके सड़कों पर गुजर रहा होता है। Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with the mounds of a cooling brown and white. उसकी जो गाड़ी होती है उसके ऊपर राउंड इन शेप अम्ब्रेला लगा रहता है। अम्ब्रेला मतलब होता है छतरी, ठीक है, छाता। और उसको देख के हमें इतना अच्छा लगता है कि जो आइसक्रीम मैन होता है वो आइसक्रीम को ऊपर तक भरता है, ठीक है। जैसे कि अब इसमें कौन से फ्लेवर्स इसमें बताए गए हैं, ठीक है, जैसे कि वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम अ बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फीज लाइक अ ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। अब इसमें अलग अलग तरह के फ्लेवर्स होते हैं, कोई वैनिला, कोई चॉकलेट, किसी को स्ट्रॉबेरी अच्छी लगती है, ठीक है। और ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स भी वहाँ पर रखते हैं, जो वो एकदम बहुत ही ठंडी ठंडी होती है, जो बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है। बॉटल फुल ऑफ फ्रॉस्टी फीज से भरी हुई होती है, जो अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे कि ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। ओके, हिज काइट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड अ स्वीट पीस, द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर द राउंड एज थिक एज हनी बीस। जैसे कि एक जो पोएट है वो पोएट ऐसा कहते हैं, जैसे कि कोई फ्लावर से, ठीक है, उस फ्लावर पे जैसे बीज चली जाती है, और जो हनी बी, जो हनी बी होती है, जैसे बीज के में से जो जो रस होता है वो निकालने जाती है, ठीक है, उस तरह की भीड़ इस आइसक्रीम मैन के जो कार्ट है उस पर हो जाती है, मतलब कि उसकी जो गाड़ी है उस पर इतने बच्चे आइसक्रीम लेने के लिए टूट पड़ते हैं। तो ये थी आज की पोयम हमारी। आई होप कि आपको ये पोयम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।